नाम भी डाल दूंगी। What's up YouTube, welcome back to Devil Gamers। And last episode में आपने देखा होगा कि कैसे मुझे कैसे ये रुद्र ने हीरो ब्राइन को गायब कर दिया था। एंड उसने मुझे ये बोला था, इसलिए मतलब ये जगह के बारे में बोला था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और इसने मुझे बताया कि वो स्ट्रेंथ वाला पोर्शन, एंड अभी ये इसके बाद एपिसोड ख़त्म होते ही इसने मुझे कुछ बोला, और इसने ये बोला कि वो जो पोर्शन है वो हीरो ब्राइन को मार सकते हैं, तभी हीरो ब्राइन हिल सकता है। बट अगर हीरो ब्राइन को हीरो ब्राइन को कहीं पे भी बुलाना होगा तो एक रिचुअल करनी पड़ती है, तो वो करनी पड़ेगी। तो पहले हम करेंगे, पोर्शन लाएंगे, बाद में रिचुअल करेंगे। तो सबसे पहले मेरा टास्क होगा कि मैं अभी इससे बाहर जाऊँ। एंड बाहर क्यों जा रहा हूँ मैं आपको एक रीज़न भी बताता हूँ। एंड ये सब है ना, ये सब रुद्र और उसका दोस्त, वो नॉट जैसा, वो ऐसा बंदा है ना, उसका नाम नहीं पता, बट वो बंदा है, देखो उसका विलेज है, उसने मुझे बताया सारा रुद्र का सारा प्लान। तो वो उसका ये विलेज है, तो ये ज़रा ये साइड में मैं जाता हूँ अपना, ये देखता हूँ कि कैसे मैं वहाँ पे जाता हूँ, और वहाँ पे रिचुअल करना पड़ेगा हमको। तो मैं किधर आ गया, हाँ ये देखो, ये यहाँ पे आ गया, एक सेकेंड, हाँ किधर गया ऑब्सीडियन का। ओके, तो इसके बराबर इस साइड में हमारा विलेज आता है। एंड अभी मेरे को आ रहा है गुस्सा, एंड मैं आपको बता नहीं सकता इतना गुस्सा आ रहा है ना। तो वो गुस्सा निकालने के लिए मुझे इस विलेज को पूरा का पूरा तबाह करना पड़ेगा, क्योंकि इस विलेज में आती है बहुत ज़्यादा रेडिएशन। तो रेडिएशन के चलते किसी का भी दिमाग सटक सकता है। अगर हीरो ब्राइन को स्पॉन किया तो हीरो ब्राइन हमारे अपोजिट भी आ सकता है, और ये रेडिएशन पता नहीं क्यों आ रही है। वो रुद्र और उसके दोस्त का ही काम है, मतलब जिसका ये विलेज है, इसलिए पूरा लाइटनिंग गिरा के सारा का सारा तोड़ दूंगा, पूरा खंजर बना दूंगा भाई। एक रुको, यहाँ पे मैं ना ये निकाल देता हूँ, एंड अगर कोई भी आए चड्डी क्यों निकाल रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं ज़रा चढ़ता हूँ। एंड आप देख सकते हो ये विलेज एकदम तबाह हो चुका है, बट इसमें अभी तक रेडिएशन है, क्योंकि जब तक पूरा नहीं हो जाता विलेज तब तक रेडिएशन स्टॉप नहीं होंगे, एंड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा रेडिएशन का। मतलब हम नहीं यहाँ पे रहने वाले यार, और फ्रेंड सब भी पूरा हमारे जो मेन सिटी है ना, वही ऐसे कोई कुछ नहीं बेच बना है, ये सारा ऐसे फंसाने का था, एक भी घर नहीं बना है, जैसा है वैसा। अगर हम अभी जाएंगे तो हमारा पुराना जो सामान है ना वो फिर से आ जाएगा, ऐसा वो बोल रहा था। बट देखते कौन सा कैरियर है, क्या फेक है, बट ये ट्रूस तो आने चाहिए। हीरो ब्राइन देखेगा बात, हीरो ब्राइन के पास इनफाइनाइट होते हैं, दो तीन तो ऐसे ही पड़े होंगे। अभी थोड़ा सा लैग हो रहा है, मैं ना क्या करता हूँ यहाँ पे आता हूँ, थोड़े से तोड़ते पूरा, इससे भी होता है हीरो ब्राइन के शोर से, ऐसे ब्लॉक्स भी करना पड़ता है। मेरे पास दूसरा कोई टूल्स नहीं रहेगा, इसके एक बहुत टूल्स है, ऐसे वाटर बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता बट अभी उसने बताया नहीं इतना ज़्यादा, बट लाइटिंग बेस्ट पार्कोर नहीं है, एक्सट्रीम पीवीपी है, तो उस पोर्शन को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बट उसको भी नहीं पता। वैसे बोला कि पार्कोर और पीवीपी होगी, बट देखा जाएगा जो भी होगा। भाई पहले तो हीरो ब्राइन कोर्स करेंगे, बाद में प्रवेश को जाएंगे, एंड उसके बाद रुद्र को ठिकाने लाएंगे। एंड रुद्र के पास एक ऐसी हथियार है जो कि हीरो ब्राइन के पास है, एंड वो जो हीरो ब्राइन है वो पहले रुद्र का, मतलब उसने ये बताया वो जो हीरो ब्राइन है ना वो असली हीरो ब्राइन है। सो असली हीरो ब्राइन स्पॉन किसी ने किया था, मतलब रुद्र ने पहले तो उसको बुलाया था, इसलिए वो रुद्र का मानता था, ऐसे रुद्र का दोस्त था जैसे हमारा दोस्त है। तब मतलब बहुत दिन हो गए, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था ना तब,
तो फिर उसने उसको एक डार्क नाम की एक्स दी, तो उसे सारा वो जीत सकता है। वो बहुत पावरफुल है और इतना पावरफुल है कि सिर्फ मतलब हीरो ब्राइन और ऐसे कुछ चुनिंदा लोग ही चला सकते हैं। और रुद्र के पास ऐसी पावर है कि वो कोई सा भी टूल्स चला सकता है। एक सेकेंड, मुझे हीरो ब्राइन ने एक पावर दी थी, मैं भी भूल गया था। और हीरो ब्राइन ने ये भी नहीं बताने को बोला था, मतलब एक टूल दिया था और मैं उसी का बात कर रहा हूँ कि सारा डिस्ट्रॉय हो सके। एंड वो हीरो ब्राइन के पास भी है एंड हीरो ब्राइन ने मुझे दी थी। और यही पेड़ के पास है डर्ट होती है। ओके सो यहाँ पे डर्ट, हाँ यही पेड़ शायद से। ओके देखते यहाँ पे, यहाँ पे होनी चाहिए। ओ भाई मिल गई फाइनली। मैं ना टोटम यहाँ पे रख देता हूँ, डर्ट ये कोई काम का नहीं है। और अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर भाई टेस्ट करते हैं, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। ओ भाई व्हाट द हेक इज दिस। एक सेकेंड देखो, हीरो ब्राइन ने मेरे एक दो बार मेरे साथ भी ये मारा है भाई। कितना खतरनाक यार, मतलब मैं कितना भी डाल दूंगी। देखो ए भाई व्हाट द इज दिस। चलो भाई ऐसा लग रहा है कोई बर्तन दबा रहे हैं। सड़े पूरा घर चले जाएगा, तेरा पूरा घर चले जाएगा। अबे निकाल, अरे भैंस की टूट जा। नहीं टूट रही, रहने दे दो, हम जाते। मेरे पास लाइटर है, नहीं मेरे पास टिकट था। अरे भैंस भाई वो हम इतना बिक्रो नहीं है। अभी मैं ऊपर उठता हूँ एंड उसी डायरेक्शन पे जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि यार मेरे को टेलीपोर्ट कर दे या नहीं तो कोऑर्डिनेट्स बता दे उसके। और फटाफट से चलते हैं एंड लेट हो चुका है हमको। इसी डायरेक्शन में शायद से अभी फूट चुका है तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। चलो फटाफट से चलते हैं, मैं लाइटर नहीं पहना। क्या हो रहा है, एक बार मारते हैं यार। इसी डायरेक्शन में था शायद से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए बना था, अपने हीरो ब्राइन ने बनाया है। एक सेकंड में किधर बाबूराव किधर अटक गया। अरे मैं, मुझे ना डर लग रहा है क्योंकि अगर छूट गया ना भाई तो पूरा हीरो ब्राइन मतलब हीरो ब्राइन करना। एक सेकंड ये क्या है, यहाँ पे कुछ तो है। नहीं उसी डायरेक्शन में जाते हैं भाई। मुझे यार डर लग रहा है क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि अगर मैं भूल गया ना भाई वाट लगने वाली है। मैं ना वापस जा रहा हूँ शायद से, ये वापस है और इसी डायरेक्शन में। एक सेकेंड यही पे। ओ बड़ा कूल बॉय ये भाई। एक सेकेंड ये तो यहाँ पे ना, ये कैसे आ गया भाई। मैं रास्ता भूल गया। एक सेकंड ये यहाँ पे फिर गाइस, इस वीडियो ना सिर्फ यही टाइम पास लग रहा है मुझे, बहुत टाइम पास कर रहा हूँ यार मैं। इसी डायरेक्शन में जाते हैं एंड वो पिलर ढूंढते हैं, उसको फटाफट से बोलते हैं। और मेरे पास द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर भी आ चुका है, फटाफट से चलते हैं। पीवीपी में मैं सब प्रो यार, है प्रो हूँ मैं, बता देखे बताना है। चलो मैं इससे बात करके आता हूँ। एंड इसने बोला कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, मतलब मुझे अगर जाना है तो मुझे आर्मर और सिर्फ एक ही ये लेके जाना पड़ेगा। और ये हर्ट्स तो जाने वाले हैं, हीरो ब्राइन के सॉर्ड से फिर से आ जाएंगे। एंड मेरे पास है स्ट्रेंथ, अगर मैं ये ले जाऊँ तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं हीरो ब्राइन के सॉर्ड लेके जाता हूँ। तो सुन, मैं ना हीरो ब्राइन के सॉर्ड लेके जा रहा हूँ और हीरो ब्राइन के सॉर्ड से मैं सब पीवीपी करूँगा। और पीवीपी वो बोल रहा है कि ऐसा मतलब इस वर्ल्ड में जो भी जितने भी ऐसे मॉब्स हैं ना, उससे मतलब हॉस्टाइल मॉब जिससे हम पीवीपी कर सकते हैं उससे करेंगे। और चिटकियों में मार दूंगा यार, मेरे पास हीरो ब्राइन सॉर्ड है। उसके बाद ये अगले लेवल पे, उसके बाद जैसे अगले लेवल पे भेजने से पहले ये यहाँ पे भेजेगा
मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। फिर मुझे कुछ ऐसा कुछ तो हो रहा है, बट मैं तो कुछ नहीं छोड़ने वाला, मैं हीरो ब्रांड की सॉरी सिलेक्ट करूँगा। फिर वो सेकंड राउंड में ऐसे डालेगा मुझे, फिर ऐसे 3-4 राउंड उसको बोला, बट कितने राउंड है वो मुझे नहीं पता। और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैं 2 पार्ट में कर दूँगा, करूँ या ना करूँ देखते आगे। ओके भाई, मुझे ना भेज दे उस वर्ल्ड में, फटाफट से भेज दे, तो मैं जाता हूँ। वो बोला कि यहाँ पे खड़ा रहे और तू चला जाएगा, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लगाई है, यहाँ पे सॉरी। एक भेज दे भाई, जल्दी से भेज दे, मैं रेडी हूँ। सो मैं आ चुका हूँ, एंड एक सेकेंड, यहाँ पे रात की हुई है। एंड अरे भाई, ये तो वही वर्ल्ड है भाई, यहाँ पे कुछ तो लिखा है, दिस इज फ्रेंड एसएमपी डार्क वर्ल्ड, हियर इज ओनली मॉन्स्टर्स डे एंड ओनली नाइट नो डे। ओ भाई, मुझे अभी मैं समझा, यहाँ पे ना हीरो ब्रांड ने मुझे बोला था कि यहाँ पे सारे एंटिटी स्पॉन हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी चल सकता है, इसलिए मेरा ऑप्टिफाइन फिर से आ गया। और मतलब भाई यार, यहाँ पे मतलब ऐसे आप सोचोगे कुछ भी ऐसा इलीगल नहीं है, सारा लीगल है, कुछ भी करो, मारो पीटो। यहाँ पे चेस्ट है और मुझे ये पार करके जाना है। उसने बोला कि लास्ट में आपको कुछ सीक्रेट मिलता है, तो उसको आपको पार करना पड़ेगा, एंड वो बहुत डिफिकल्ट है। देखते मेरे पास तो आर्मर मिल गया है, बट ये क्या है, ये हीरो ब्रांड सवर्ड, ये डार्क एक्स किसने दी भाई, ये तो वही डार्क एक्स है जिससे रुद्र ने हीरो ब्रांड को वश में किया था। एंड ऐसा हीरो ब्रांड ने ही बोला था कि मुझे डार्क एक्स के द्वारा वश में किया था, मतलब ऐसे हिल नहीं सकता था, और मेरी लेवल एक्सपी सारा अलग ही हो चुका है भाई। ये फ्रेंड एसएमपी का आधा भाग है, मतलब अगर इसमें 23 मिलियन ब्लॉक्स होंगे पूरे ओवर वर्ल्ड में, तो उसका हाफ डार्क वर्ल्ड में जाता है, एंड एक लीवर दिया हुआ है। तो फटाफट से चलते हैं, मुझे तो एक सेकेंड क्या हो रहा है, खुल गया भाई, मैं डर गया भैंस की यार, यही मुझे यही नहीं चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कोई पार्कोर वार्कोर ही आ जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द करेक्ट लीवर, लीवर की स्पेलिंग आते नहीं, आ जाते काका से, वन लीवर कैन ओपन द वे। पे क्या देख रहा है, एक लीवर दरवाजा खोल सकता है, देखते ट्राई करते हैं। ये नहीं, एक सेकेंड, इसकी एक्सपी तो नहीं जा रही, क्योंकि भाई एक ये मैं ना सारे ट्राई कर दूंगा आज के आज। नहीं ये भी चलो, और ये अभी ये ट्राई करके देखता हूँ। ओ भाई ऊपर हो गया फाइनली भाई, इतना इजी था यार। यहाँ पे क्या है, रेवेंजर, एक सेकेंड भाई यार, मुझे रेवेंजर से पंगा लेना पड़ेगा, एंड ये मुझे नहीं पसंद, क्योंकि रेवेंजर बहुत डेंजर होते हैं, सारे इजी होते हैं, वार्डन भी इजी मुझे मारना, बट रेवेंजर इज हार्ड, तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं। गाइस सो हमको जाना पड़ेगा, 3 भाई रेवेंजर आ जाता है, मैं ऐसे मारूंगा। अरे अब भैंस की डार्क एक्स तो ऐसे, वो भाई मार रहा है यार, मेरे पास फूड इनहेल कर दो, डार्क एक्स ही एक एक को धोता हूँ। अरे अब तेरी भैंस की, दरवाजा किधर है, दरवाजा किधर है, ओ भाई, ओ भाई क्या बचाऊ मैं, बिकॉज आपको पता ही चल गया कि रेवेंजर कितना डेंजरस होता है, एंड मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे जाऊँ और कैसे करूँ, मैं नूबड़ा लग रहा हूँ यार ऐसे करने तो। आजा, नहीं आ रहा भाई भैंस की, भाई डेविल गेमर जो मैं ऐसा प्रो नहीं हूँ, प्रो हूँ, सॉरी तेरा गलत बोल दिया। आजा तू भी आजा, भैंस की निकल, कोई है तो नहीं भाई, मैं तो बोल दिया सब से, मैं ना क्या करता हूँ ये भाई, ओ बाप भैंस की
भागो भागो भागो, इसीलिए इसने यही ऐसा दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि क्या क्यों यार ऐसा क्यों दिया है। चलो फिर से जाके देखते हैं। गाइस आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे डे हुआ था, बट हीरोब्राय ने मुझे एक भी बात बोली थी कि यहाँ पे सिर्फ रात होती है, और रात मतलब हेल एंड जब भी यहाँ पे ऐसे सुबह आएगी तभी मतलब सारा सारा अपना जो है ना वो एकदम नॉर्मल फ्रेंड सेम्पी में जुड़ जाएगी। और ये इल्यूजन लग रहा है, मतलब ऐसा इल्यूजन है जैसे लग रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, बट ये एक इल्यूजन ही है। चलो चलते आज। अरे 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 अबे किससे मार रहा हूँ मैं बोला मर क्यों नहीं रहे। ए, नहीं 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 मर मर मर। ये सर एपिसोड बहुत बोर होने वाला है मुझे पता है, बिकॉज मैं बहुत टाइम पास करता हूँ। कितने रेवेंजर बाकी है? एक ही निकल। मैं इसकी आ जाते कहीं कहीं से डबल गेमर से पंगा नहीं लेने का बोला ना, सुनते नहीं है भाई। यहाँ पे क्या है? मुझे नहीं करना यार फिर से पार्कौर। मुझे नहीं करना ना मुझे मत। तू भाई 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 मेरा भाई भाई कैसे वैसे कर रहा हूँ मैं। भाई मैं एक सेकेंड, मैं ऐसे आया या पिलावा ऐसे ऐसे, बट मुझे जाना तो जाना है कहा, इतना ही है यहाँ पे। और कहाँ जाए, कैसे जाए, क्यों जाए, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे कुछ तो है यार, मतलब वेट 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 मरूंगा मरूंगा। एक सेकेंड, ये क्या गया भाई?